नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। पैनी नज़र संस्था ने घायल पड़ी गाय को इलाज के लिए भेज कराया इलाज। बरेली से अमरजीत की रिपोर्ट। गांव वालों से करने का तो कहने का मतलब है व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जीरो है। प्रशासन और शासन दोनों, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई गौशाला नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। एडीओ साहब ने मुझसे कहा कि आप एसडीएम साहब को फोन कीजिए। एसडीएम साहब के बारे में मैंने बताया, वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं, तो उनको फोन करने से क्या फायदा है, वो तो कभी भी फोन नहीं उठाते हैं किसी समस्या के लिए। तो इसलिए कहने का मतलब है पूरी प्रशासन की यहाँ पर पोल खुली हुई है गायों के नाम पर जो चल रहा है कि साहब गौशाला बन रही है, बहुत अच्छा रख रखाव गायों का किया जाएगा। प्रतिबंधित कानून है, क्या है धरातल पर, ये आपको लगातार संस्था जो है एक साल से धरातली स्थिति दिखा रही है। और ग्रामीणों की ये पशु जो है कितनी बड़ी समस्या बन चुके हैं, ये आज सबके सामने उजागर है। तत्काल में अभी कोई व्यवस्था करा रहे हैं इसके इलाज की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बेचारे एक प्राइवेट डॉक्टर ने इसी गांव के, शायद उनको छोटा मोटा चार्ज दिया हो या जो भी व्यवस्था हो, मुझे नहीं क्लियर पता लग पा रहा है। तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ से बहुत दूर हूँ और मैं इतनी दूर से तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब शाम तक क्या स्थिति इस गाय की होगी ये तो भगवान। इसी गांव में रहते हैं? नवदिया में रहते हैं। हाँ जी, बताएं क्या समस्या है। एक बालक हमारे यहाँ का था, जमुना प्रसाद का, अजय कुमार, वो अपने बीरमपुर धाम देखने गया था। अच्छा। गोबर छिड़कने गया था कि खाना ले, उसको भैंस जो उठा के पटक दिया दो बार पटका। अच्छा। बीरमपुर के आदमी भागे, औरतें भागी, तो उसको बचाया। काफी चोट आई होगी? चोट भी आई थी। अच्छा, ठीक, बहुत बिजार है।